तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग हैप्पी सैटरडे हर किसी को अब्रवान चलिए आज से आप लोगों ने ये कहा था कि सर सैटरडे संडे को भी फोकस कर दीजिए तो मैं सैटरडे संडे को भी फोकस आपका कर रहा हूँ ठीक है so, सो आपके सातों दिन अब आप आपके फोकस हुआ करेंगे जस्ट ऑन योर रिक्वेस्ट ठीक है आपके रिक्वेस्ट पर ही ये काम हम लोग कर रहे हैं सो so, फटाफट एक काम ये करें कि क्लास को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए जितने भी लोग हैं प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें सो प्लीज़ डू दस ओके सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस मैक्सिमम। शशुतोष गोयल अनुवर्मा प्रभात सिंह राठौड़ आशय वर्षा शिवानी है चलिए आ जाए आप लोग सब लोग कनेक्ट हो जाइए फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास ठीक है आ जाइए सो जस्ट ऑन योर रिक्वेस्ट ऑन योर रिक्वेस्ट ठीक है ना आपके रिक्वेस्ट पे फोकस को सैटरडे संडे भी किया जा रहा है सो इट इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे एंड संडे ऑफकोर्स सो आज जनरली ये मंडे टू फ्राइडे हुआ करता था लेकिन आपने से कई लोगों ने यह सजेस्ट किया कि सर सैटरडे और संडे को भी होना चाहिए सो डन okay. so, आपने बोला हमने मान लिया सो so, ये फोकस का प्रोग्राम जहाँ हम लोग बात करते हैं किसी चीज के ऊपर में हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी एंड दूरदर्शन न्यूज के ऊपर राइट सो ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी एंड दूरदर्शन ये सारे न्यूज हमारे पास है ये कवर्ड है जहां भी हम लोग करेंगे बात करने वाले हैं राइट इससे पहले अब आइए आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा छोटे सा जानकारी मेरे बारे में मोर देन टेन ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एंड करेंट अफेयर्स एक्शन प्लानर एन स्ट्रैटेजिस्ट मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट एंड मोर देन सिक्स थाउजेंड स्टेज बीन मेंटर्ड बाय मी राइट चलिए अब आज एक बैच जो आपका फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से बैच हुआ है एक्सेप्शनल बैच है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट बैच अभी शुरू है थर्टीन ऑफ अक्टूबर को ठीक है लेकिन आप लोगों को मालूम है कि आप लोग कई लोग डिले कर रहे हैं सो प्लीज फी इज अबाउट टू हाई ठीक है ना फीस बढ़ने वाला है तो आप लोग इसको डिले ना करें आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना और आपने देखा होगा कि यहां से आप देख सकते हैं आप कि योर पवन सर रैंक सर, सर, सेकेंड ठीक है ना और रैंक सेकेंड राइट सो so, ये आप देख पा रहे नेक्स्ट आप देखेंगे फिफ्ट फिफ्थ अक्टूबर को ये जो बैच शुरू हुआ है जिसमें अभी बस मेरी क्लासेस शुरू हुए हैं इसमें मोर देन सेवन हंड्रेड क्लासेस आवर्स की क्लासेस होने वाले मोर देन सेवन हंड्रेड क्लासेस आवर्स की फिर दूसरा आप देखेंगे डेढ़ घंटे की लिख करके ये पांच घंटे तक फाइव आवर्स तक की क्लास आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे लेकिन अभी जो ये क्लास है वो डेढ़ घंटे की क्लास आपको दिखाई दे हो रही होगी राइट चलिए मैं मृणाल सर के साथ ये क्लास so सो मृणाल सर को देख देखी रहेंगे रहे मुझे अच्छा बुरा मेरे बारे में आप जानते ही होंगे सो यू कुड दिस बैच राइट दूसरा क्या है कि आपके पास ये देखें मैंने आपको कई बार कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक प्रदीप सिंह जी को जो कि ऑल इंडिया रैंक वन रहे हैं 2019 के ऑल इंडिया रैंक वन रहे हैं तो आप इनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को मेरे साथ सुन सकते हैं कॉन्क्लेव में जो हुआ था सितंबर को सितंबर को जो कॉन्क्लेव हुआ था ठीक है इसकी शुरुआत मेरे ही सेशन के साथ हुई थी ठीक है जिसमें कि ऑल इंडिया रैंक प्रदीप सिंह जी जो थे उनका इंटरेक्शन था इनके आप जो लाइफ टाइम को सुन सकते हैं समझ सकते हैं और इनको आप क्या कर सकते फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में आप क्या कर सकते हैं इनकी बहुत ज्यादा मदद भी ले सकते हैं आपको पता चलेगा कैसे एक कॉमन आदमी भी ऑल इंडिया रैंक वन हो सकता है ऑल इंडिया रैंक वन हो सकता है यू कुड ऑल्सो बी एन ऑल इंडिया रैंक वन आप हो सकते हैं तो आप इनको सुनिए बहुत ही अच्छा है, इनका सेशन रहा हुआ है ठीक है स्ट्रैटेजी कैसे आपकी बननी चाहिए क्या होना चाहिए किस तरीके से हमें इस काम करना चाहिए एंड वन डी यू कूड ऑल्सो इंडिया रैंक वन इन यूपीएससी एग्जामिनेशन तो आप जाएंगे आप पे अन के ऐप पे और तो जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा प्रोफाइल पड़ा हुआ होगा उस प्रोफाइल पर जाकर के आप उसको फॉलो कर लेना है वहीं पर आपको सारी क्लासेस दी जाएंगे अगर आपको प्रोफाइल ढूंढने में परेशानी हो रही है तो इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे लिंक एक पड़ा हुआ है जिसमें मेरे प्रोफाइल का उसको टच करेंगे आप सीधे मेरे प्रोफाइल पे आ जाएंगे वहां आने के बाद वहां नोटिफाई उसको नोटिफाइक फॉलो कर लीजिएगा नोटिफाई का बटन आता है नोटिफाई मी उसको भी दबा लीजिएगा इसे होगा क्या कि जो भी मेरी क्लासेस आने वाली होंगे आपके ऊपर में वो सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल रहेगी और साथ ही साथ इनका भी इंटरव्यू आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेरे साथ वो आपको देखने को जरूर मिलेगा राइट चलिए आ जाइए नेक्स्ट आइए आप लोगों के लिए जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ फाउंडेशन सीरीज फॉर यूपीएससी दो हजार इक्कीस बाईस थ्रू एनसीआर जल्दी मैं कोई डेट अनाउंस नहीं कर रहा हूँ लेकिन

कि जो मैंने पढ़ाया आपका पॉलिटी के अंदर जो मैंने पढ़ाया वो सारे के सारे क्वेश्चन आ गए विद द ग्रामर ऑफ द पॉलिटी आपके पास आ गया विद द ग्रामर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास आ गया मतलब जो लिखवाया है लाइन लिखवाया आप दिखाने की क्या जरूरत मैंने तो आपको फोटो खींच के भी दिखा दिया साथ में आप बच्चों ने कहा है आप बच्चों के अप्रीशिएशन भी दिखाई दिए तो आप इस कोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं आ, किसी भी प्लस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं पवन टेन के कोड के थ्रू कई बार पवन टेन के कोर्ट को अप्लाई करने में अगर परेशानी आती है अगर आ रही होगी तो आप दूसरा कोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं मेरा दूसरा कोड है पवन एस ए डब्ल्यू ए एन एस पी आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं पवन एसपी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं पवन टेन या पवन एसपी इन दोनों में से किसी भी कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है मेरे साथ जुड़ने के लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अकेडमी का प्लेटफॉर्म है यहां हर एक टीचर जितने भी टीचर हैं उन सबके पास एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दी गई है दैट इज कॉल्ड देयर कोड ठीक है अगर आप जिस टीचर के साथ जुड़ना चाहते हैं आप उन टीचर के साथ जुड़ सकते हैं उनका कोड अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये कोड है पवन टेन या पवन एसपी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आता है तो आप इसको या इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है कई बार ऐसा कंप्लेन भी देखने को मिला है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों ने करा है कि मान लीजिए कि पेमेंट आपका प्रोसेस नहीं हो रहा है ठीक है ना इफ यू गॉट सम काइंड ऑफ द फोन ठीक है तो आप यही बताएंगे कि सर मुझे पवन सर के साथ ही जाना है पवन टेन का कोड अप्लाई करना है या पवन एसपी का दे विल हेल्प यू वो आपको असिस्ट करेंगे वो कहेंगे ठीक है यू कैन मूव विद दिस कोड पवन टेन या पवन एसपी को आप लगा करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं बाकी आप किसी का भी अनका लगाएंगे तो आपको वो गाइड करेंगे वो मेंटोर करेंगे ये उनकी जिम्मेदारी होगी मेरे बच्चे जो मेरे थ्रू आएंगे दैट इज पवन टेन या पवन ए पे जो मेरे थ्रू आएंगे मेरे पास भी उसका डेटा आ जाएगा मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हा, दिस हाँ दिस पर्सन हैज टेकन सब्सक्रिप्शन थ्रू योर कोड तो जैसे ही आएगा तो मैं आपको अपनी गाइडेंस में रख लूंगा अपने मेंटोरशिप में रखूंगा अगर मुझसे बात करनी है अगर आपको कोई जेन्यून क्वेरी है तो आप क्या करेंगे नीचे इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा उसमें आपका जो है सो मेरा जो प्रोफाइल है वहां जाने का लिंक है ही वहां जाएंगे तो मुझे फॉलो करने के बाद चैट बॉक्स का ऑप्शन आता है उस चैट बॉक्स में जाकर के अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है मैं आपको अपने गाइड गाएद में गाइडेंस में रख लूंगा अपने में से रख लूंगा सो so, आपको यूज करना है अगर मेरे थ्रू आना है बाकी यू आर फ्री कि आप किसी का भी कोड यूज कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है कि मेरे थ्रू आना है तो पवन टेन या पवन एसपी मैंने आपको बताया भी है आप में से कई लोग ऐसे भी जो जिन्होंने देखा होगा कि यूपीपीसी के एग्जामिनेशन में भी जो पढ़ाया था जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया था उन्हीं से सवाल आए थे जो पढ़ाया वही आया वो दिखाया भी था इनफैक्ट यूपीएससी में भी जो पढ़ाया मैंने पॉलिटी के अंदर वही आया है जो पढ़ाया वही आया दूसरी बात कई लोग यह कहते हैं कि पेपर बहुत ईजी आया था मैं भी मानता हूं कि पेपर थोड़ा इजी जरूर आया था लेकिन एक आपने देखा होगा कि जो रेंज मैंने आपको पढ़ाया था शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर कुछ भी पूछा जाता तो आप करने की स्थिति में थे कुछ भी पूछा जाता और सबसे बड़ी बात है कि जो लाइन मैंने लिखवा दिया वही लाइन उठाकर सीधे कर सीधा डाला गया बिकॉज आई बिलीव ऑन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट डेटा जितनी भी चीजें होती हैं मैं उसमें ही बिलीव रखता हूं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ाता रहता हूं तो इसलिए हु बहु क्वेश्चन टकराए हैं हु बहु दो में भी आगे भी दो में टकराएगा मीनस भी पूरी टकराने की कोशिश कर रहा हूं निश्चित तौर पर भगवान चाहेंगे तो यहां भी आपका साथ मिलेगा सहयोग मिलेगा तो यहां भी हम लोग करेंगे बस आप मेरे साथ बने रहिए ठीक है थीके? तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपके पास एक ही चारा है वो ये है कि आपको पवन टेन का कोड अप्लाई करना है या पवन एसपी का कोड अप्लाई करना है मेरे साथ जुड़ने के लिए चलिए नेक्स्ट साल हम लोग बात करना शुरू करते हैं अच्छा एक चीज और जान लीजिए ये अनकेडमी का एस्पायर का प्रोग्राम शुरू हो रहा है ये है ये 10 आज, द, एक, आ, एक दस अक्टूबर के यानी कि आज यानी कि दस बजे से ठीक है आप यहाँ इन कर सकते हैं और जीतने का आपको मौका मिलेगा जिसमें कि पूरा यूपीएससी एग्जामिनेशन के पैटर्न पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे जाएंगे हंड्रेड क्वेश्चन टू मार्क्स और निगेटिव मार्क्स भी रहेगा जनरल स्टडीज पेपर वन का होगा यहाँ रैंक वन को जो है सो क्या मिलेगा वन टू थ्री रैंक को यूपीएससी सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अन अकेडमी का प्लस का ठीक है साथ ही जो रैंक वन है और थ्री है उनको दस हजार रुपए का अमेजन का वाउचर भी मिलेगा

जो है फूड प्रोग्राम इसको दिया गया आप इंग्लिश में भी देख पा रहे हैं और आप हिंदी में भी देख पा रहे होंगे दोनों चीजें आपको देख पा रहे होंगे तो uh, देखा है कि अभी नोबेल पीस नोबेल प्राइजेस जो है वो आपको अवार्ड किए जा रहे हैं और लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूं कि कब किस में साइंस में किसे दिया गया मेडिसिन में किसे दिया गया था फिजिक्स में किसे दिया गया था तो अभी आप देखेंगे जो पीस प्राइज है आपके पास जो पीस का किया गया, वो इस दिया गया है किसको वर्ल्ड फूड इज कॉल पी जो कॉम्बैट हंगर प्रमोट फूड सिक्योरिटी इसका मतलब क्या है कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने में इसने अहम भूमिका निभाई है और दूसरा जो भुखमरी है आपने देखा होगा कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं कई अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज है जहां भुखमरी की स्थिति रहती है तो वहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो कार्य रहा है वो काफी सराहनीय रहा है काफी सराहनीय रहा है सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज दूनाइटेड नेशन एजेंसी फोकस ऑन इराडिकेटिंग हंगर एंड फूड सिक्योरिटी हंगर एंड फूड सिक्योरिटी अब आपको लिखना क्या है जो नोट्स बनाना होगा मैंने आपको कई बार बताया नोट्स बनाने के लिए सीधा का सीधा आपको क्या करना है यहाँ आप जाएंगे आप यहां पर बना लेंगे नोबेल पीस प्राइज जो इस बार मिला है 2020 के लिए आप डब्लू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कर लेंगे इसके बाद फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आपको बनाना है कि एजेंसी किसकी है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है और इसका फिर काम लिखेंगे इसका मेन जो फंक्शन है वो लिखना है आपको फंक्शन क्या है आपको बताना है कि जस्ट टू कॉम्बैट हंगर ठीक है ना अनोट फूड सिक्योरिटी अक्रॉस द ग्लोब ये दो इसके काम है हैंगर अनोटिंग फूड सिक्योरिटी ये आपने लिख लिया आ जाइए इमरजेंसी सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड इट्स जॉब इज टू इंश्योर द फूड आइटम्स रिच द निडी ठीक है ना और ये कोशिश करनी कि जब कभी भी हमारे यहां आप स्थिति अगर पहुंच आती है तो जहां कहीं भी फूड की स्कैसिटी होती है यानी खाद्यान्न संकट अगर होता है खाद्य संकट नॉट खाद्यान्न खाद संकट होता है वहां तक आपके फूड की एक्सेसिबिलिटी को उसको पहुंचाना उसको वहां पर दिलवाना इसका मतलब क्या है कि जो भी जनता है कहीं की भी किसी भी क्षेत्र की जनता नहीं बल्कि जो लोग हैं अगर जो ग्लोबल कम्युनिटी में कोई भी सेक्शन अगर बचा है जहां पर खाद्य की कमी है खाने पीने की कमी है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में वहां पर फूड को पहुंचाना उनको फूड इंश्योर करना दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूं और इस तरीके से यह क्या करती है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करती है आपने देखा है कि हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है आप देखेंगे दो ध्रुव में बटा हुआ है एक ध्रुव जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है खास करके वेस्टर्न यूरोप और दूसरी तरफ तो देखेंगे एक कुछ एशियन कंट्रीज हैं और साथ ही साथ आपका खास करके अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर भुखमरी की स्थिति हमेशा बनी रहती है तो इन दोनों के बीच में क्या है कि आप देखेंगे जहां पर मतलब खाद्यान्न है खाद्य है यानी कि फूड है वो यहां तक जहां पर फूड स्कैरसिटी रीजन है वहां आप उसको फूड को अवेलेबल करवाते हैं और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं So, आपने देखा नीडी स्पेशली इन सिविल वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर कभी भी अगर मान मानिए गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई जैसे आपने कई अफ्रीकन कंट्रीज में देखा होगा कि हमेशा सिविल वॉर होता रहता है ठीक है ना हमेशा सिविल वॉर होता है तो वैसे स्थिति में वहां की जो सिविल वॉर अगर कभी छिटता है सिविल वॉर तो आप देखेंगे सिविल वॉर इन जनरल आप देखें कई बार के दो कम्युनिटी के बीच में या नहीं तो फिर सरकार के विरुद्ध भी आप देखें कई बार का वॉर जो है खास करके ओपन कर दिया जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कई कंट्रीज में तो वहां पर मैं अब सरकार जो है वो पूरा कॉम्बैट पे ध्यान रखती है खाना पीना उनका सफर होने लगा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी यहां पर पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि लोग खाद्यान्न जो सरकार है वो खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवा सकती तो ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन की ये जो एजेंसी है डब्ल्यू एफ पी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये क्या करेगी यहां पर फूड इंश्योर करने का काम करती है ताकि हर किसी पास खाद्यान्न उपलब्ध रहे या फिर नेचुरल डिजास्टर के क्राइसिस में भी इन में में अब आगे हम थोड़ा सा देख लें कि WFPA के बारे में, कि के स्थापना कब हुई इसका विजन क्या था एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड हैज एक्सेस टू द फूड नेसेसरी फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ एट ऑल टाइम्स तो आपको ये याद रखना है कि वॉट इज द विजन ऑफ डब्लू तो विजन इसका यही है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो मेल हो फीमेल हो यानी मैन वुमेन एंड चाइल्ड उन सभी के पास जो उनके लिए आवश्यक खाद्यान्न की जो जरूरत होती है उन तक उनकी पहुंच इंश्योर्ड होनी चाहिए ठीक है ना एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ के लिए एट ऑल द ताकि वो भी क्या करें एक सक्रिय और स्वास्थ्य वर्धक जीवन को व्यतीत कर सकें फॉर एक्टिव एंड टाइम्स चाहे वो टाइम कुछ भी चल रहा हो दिस इज रीजन ऑफ दैट तो आपको समझ में आ गया कि आपको नोट्स क्या बनाना है अब जो डब्ल्यू एफ पी है इसका हेडक्वार्टर का है ज इन दर्ल्ड ठीक है आपको हेडक्वार्टर लिख देना है वो आपने लिख लिया तो आपका नोट बंदर चला जा रहा है मैंने आपको कई बार बताया कि मुझे पढ़ाना आपको डिटेल में बताना है लेकिन जब आप नोट सब बना रहे होंगे तो इसमें से आप हाईलाइट को पिक कर सकते हैं फिल्टर कर लीजिए आप सो इन टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सपोर्ट रिस्ट अबाउट टेन करोड़ पीपल फ्रॉम एटी एट कंट्रीज आप देखेंगे दो हजार उन्नीस में इसने लगभग दस करोड़ आबादी को केटर किया ठीक है ना उस तक उनको अपने सपोर्ट सपोर्ट को पहुंचाया कितने कंट्री में मोर देन फ्रॉम एटी एट कंट्रीज अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो डब्ल्यू एफ पी है इसका स्टेटस इस क्या है तो ये कंप्लीटली वॉलंट्री है चैरिटी इजेशन यानी कि अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, अपना दान अगर देते हैं तो उस आधार पर चलता है सो कम्प्लीटली वॉलेंट्री चैरिटी रन ऑर्गेनाइजेशन है मोस्ट ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं ना चाहे वो इंडिया हो चाहे वो दूसरा कंट्री हो यानी कि जो भी मेम्बर कंट्रीज है वो क्या करते हैं अपना कंट्रीब्यूशन इसमें डालते हैं एज अ चैरिटी ठीक है और फिर ये जो पैसा जो इकट्ठा होता है जो कि पुल बनता है फिर इस पूल के कि इस पैसे से ही फिर क्या करते हैं ये जो भुखमरी है उसको हम लोग कॉम्बैट करते हैं डब्ल्यू एफ पी के प्रोग्राम में हम ये कोशिश करते हैं कि हर किसी को इतना फूड मिले ताकि वो हेल्दी और एक्टिव लाइफ को लीड कर सके सो कंप्लीटली इट इज बेस्ड ऑन चैरिटी और चैरिटी बाय द गवर्नमेंट ठीक है ना यानी जो भी गवर्नमेंट है यानी कि जो भी मेबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो जो भी अपना चाहे जो भी अपने बिलिंग है ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देना है कि हां भाई आपको यहां पर मैं है कि टेन परसेंट देना है टू परसेंट देना है फाइव परसेंट नहीं ऐसा नहीं दैट इज कंप्लीटली वॉलंटरी यानी कि आपकी स्वच्छा पर निर्भर करता है और एज अ चैरिटी आप इसको प्रोवाइड करने का काम करेंगे राइट right, सर WFP is by an board with from और इसका जो ग्बर स्टेट है, होते हैं उनके प्रतिनिधि आपको यहां पर शामिल दिखाई देंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम्बर स्टेट्स राइट चलिए आ जाइए अब ये वर्ल्ड पोस्ट डे के बारे में बात करें यह देखिए कल हुआ है नाइन्थ ऑक्टूबर ठीक है नाइन्थर दो हजार बीस को वर्ल्ड पोस्ट डे अब रही नाइन्थ अक्टूबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे time, इसको याद है तो आप सब के है, मास्क आपको दिख रहा होगा ठीक है ना आप ये देखिए सपोर्ट है यहाँ पे तो वर्ल्ड पोस्ट डे पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका हम लोग आयोजन वर्चुअली कर पा रहे हैं इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या क्या है

यूनियन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो गया आपके पास ठीक है इसको देखेंगे क्या कि वर्ल्ड पोस्टल जो डे है इसको सेलिब्रेट करना नाइन्थ ऑफ अक्टूबर को करना है, क्यों करना है 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 ठीक क्यों इसी दिन 1874 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ठीक है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में है ठीक है देन आप देखेंगे कब से बनाना शुरू किया तो नाइनटीन सिक्सटी से डिसीजन टेकन इन टोक्यो ठीक है टोक्यो टोक्यो में जापान में ठीक है तो इतनी बातें अगर आप लिख लेते हैं तो आपके पास इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी क्रिस्ट नोट आपका बन जाएगा पढ़ाना मेरा काम है ये आपको बताना है कि ये न्यूज है क्या कि न्यूज कुछ भी छूट नहीं रहा है सीधा मतलब ये है कि इतना डिटेल में बताना है, न्यूज कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है तो आप इस तरीके से अपना नोट्स बना लीजिए पेन और पेपर लेके मेरे साथ हमेशा बैठा किया मैं चाहूं तो ऐसे भी केवल आपको दे सकता हूं कि हाँ देखो आज यूपीओ इज इंपॉर्टेंट इसका आज एनिवर्सरी है दैट्स इट इसके बारे में देखो ये ये डिसीजन है इसका हेडक्वार्टर ये है डेट इतना है बस इतनी बात छोड़ दो तो आपको मजा नहीं आएगा आप एक कहानी जब सुनेंगे तो पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी और मेरे साथ बैठ करके चूंकि मैंने आपको क्या बताया आई एम नॉट ओनली गिविंग यू हानी बल्कि आई एम गिविंग यू द आर्ट ऑफ मेकिंग हानि इसको सीखे आर्ट ऑफ मेकिंग हानी मैं आपको शहद बनाने की कला दे रहा हूं आपको शहद नहीं दे रहा केवल मैं शहद तो दे ही रहा हूं साथ ही साथ आपको ये सिखा भी रहा हूं कि आप शहद कैसे बना सकते हैं दिस इज द पर्पस ऑफ दिस फोकस प्रोग्राम तो मैं आपके को पढ़ा नहीं रहा बल्कि पढ़ने की कला भी सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे यू कैनॉट अचीव योर गोल मैं बार बार कह रहा हूं ताकि सतर्क रहिए पेन और पेपर लेकर मेरे साथ बैठा कीजिए चलिए नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं पर्पज ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द रोल ऑफ द पोस्टल सेक्टर इन द डेली लाइफ ऑफ द पीपल एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट

आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन में कि आपको यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है तो आप इतनी बातों को वहां पर कोड करते चलेंगे ठीक है so, सो किस के द्वारा कब किया गया सारी चीजें ये सारी चीजें ही आपके काम की और फिर करंट में जो चीजें रहेंगी इंपॉर्टेंट बस उसको ऐड कर लीजिए एक बार अगर आपने बना लिया तो अगर आपको कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो बस आपको क्या करना है वहां पर करंट की चीजों को बस ऐड करना है दैट्स इट बन गया आपका नोट्स और कभी भी आप उसको पलट के देखेंगे आपका काम होता रहेगा जैसे आपने देखा है कि केयर के प्रोग्राम में मैं हमेशा आपको जो है क्वेश्चन रिवाइज करवाता रहता हूं हो गया काम एमसीक्यू के थ्रू आपने कर लिया काम यानी कि एक बार आपने उसको पूरा पढ़ लिया चलिए नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज हेडक्वार्टर एट बर्न स्विट्जरलैंड ये मैंने आपको बता ही दिया द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल दैट इज कॉल्ड यूनेस्को ठीक है ना यूनाइट यू एन ई इकोसॉक ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका ये पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बस ये आपको लिख लेना है ज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पोस्टल यूनियन ठीक है चलिए इतनी बातें आपने लिख ली तो आपका ये काम खत्म हो गया तो इतनी चीजों को आपने अगर डाल लिया तो आप देखेंगे कि आईआर में ये जो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है उसके ऊपर में यूपीयू के ऊपर में यूनिवर्सल पोस्टल जो आपके पास सिस्टम है इसके बारे में आपके पास सारी जानकारी आ गई ठीक है ना यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसके बारे में सारी जानकारी एन, ए -ए 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 आ गई ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आ गया और न्यूज में कुछ अगर है तो आप कभी उसको एड कर लीजिए बस आपका डेट तैयार हो गया तो यही करंट अफेयर्स का मतलब यही बात समझिए कि करंट अफेयर्स कभी करंट अफेयर्स होता नहीं रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं है बल्कि हर एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स है पॉलिटी का करंट अफेयर्स है गवर्नेंस का करंट अफेयर्स है इकोनॉमी का करंट अफेयर्स है क्या कहते हैं साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स है तो आपको ये सारे करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स का आयाम कभी एक नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स पर रेगुलर करंट अफेयर्स अलग बात है ठीक है ना जो कि आप बहुत कम पूछ रहा है आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर के यहां पर करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं ठीक है चाहे वो आपके पास आप इंटरनेशनल एशन का हो चाहे वो गवर्नेंस का हो चाहे वो आपके पॉलिटी का हो चाहे वो साइंस एंड टेक का हो चाहे वो इकोनॉमिक का हो या इन्वायरमेंट का हो किसी का भी हो आर्ट एंड कल्चर का हो किसी का भी हो आपने इस सेगमेंट में को बांट करके इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इन सेगमेंट्स को बांट लीजिए कई बार आपने देखा गवर्नमेंट के स्कीम्स भी आते हैं उसको अभी से ही बनाना शुरू कर दिए कोई अगर स्कीम आ गई उसके बारे में फीचर्स डाउनलोड कर लिख लिया आपका काम हो गया क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है

ये ही वॉज इन द पुलिस सर्विस फिर उन्होंने इस जॉब को क्विट किया क्विट करने के कर बाद पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में आने के बाद जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो शायद ही ऐसा कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहा मिनिस्ट्री रही जिसमें रामविलास पासवान जी को उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला उनको सारे में पोर्टफोलियो उनको दिया गया तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इतने फेमस पर्सनैलिटी अगर आ, हैं सामने तो उनके बारे में सवाल पूछना लाजमी बनता है तो इन्होंने ये क्या है कि छह प्राइम मिनिस्टर के काल में सिक्स प्राइम मिनिस्टर ये आपको याद रखना है कैबिनेट का पोर्टफोलियो संभाला है उन्नीस सौ नवासी से देखेंगे तो आप देखें लगातार कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री को होल्ड जरूर करते हैं कैबिनेट ऑफ सिक्स प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट आइए पासवान वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनसक्ता पार्टी अब इन्होंने जिस पार्टी को फाउंड किया था पोलिटिकल पार्टी को इसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी जिसको बोलते हैं एलजेपी

नेक्स्ट आए डीबीटी बिराक क्लीन टेक डेमो पार्क ठीक है इसके बारे में देखते हैं ये क्या है इसको छोड़ दे नेक्स्ट आज फोर्थ है नॉलेज सर्कल वेंचर इसको भी छोड़ते हैं हम लोग हैं आज ट्रागोपन ट्रागोपन के बारे में जानते हैं ये देखिए क्या है ट्रागोपन जो है वो क्या है इट इज अ बर्ड आप देख पा रहे सिक्स वेस्टर्न ट्रागोपन टेकन इन द दा, दारा घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हिमाचल प्रदेश में दारा लाए लाए है दारा घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब आपको याद रखना है इसको कि दारा घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां तो ये याद रखिए दैट इज इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश रिलीज बाय हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, वाला तीतर, वाला तीतर. मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहेंगी अब ये देखिए हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अधिकारियों द्वारा गुरुवार को दारा घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य उठाए गए छह वेस्टर्न ट्रागोपन को छोड़ दिया गया अब ये जो वेस्टर्न ट्रागोपन है ये परिवार फासे में एक पक्षी प्रजाति है जिसे आमतौर पर सिंह का तीतर कहा जाता है सिंह का तीतर कहा जाता है पश्चिमी ट्रागोपन एक राज्य पक्षी है और अनुमानित इसका वैश्विक आबादी लगभग साढ़े तीन हजार से कम की है पश्चिमी ट्रागोपन एक राज्य पक्षी है ठीक है दारा घाटी वन्यजीव अभ्यारण ट्रागोपन के प्राकृतिक आवास का हिस्सा है और जो दारा घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये ट्रागोपन का नेचुरल हैबिटेट है यही आपको इंग्लिश में यहां पर है वेस्टर्न इज अ स्टेट बर्ड ज एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ लेस थ्री लिए कभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आ, ट्रागोपन जो दाराघाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नेचुरल हैबिटाइट है इसका ये ट्रागोपन का, तो ये आपको याद रखिएगा तो आप एक तो इस पक्षी के बारे में जो वेस्टर्न ट्रागोपन है वेस्टर्न ट्रागोपन है इसको हॉर्न फेजेंट भी बोलते हैं सिंग वाला तीतर भी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश दाराघाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इसकी जो पॉपुलशन है वो लेस दैन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड है अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ <coughs> दाराघाटी सेंचुरी इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ये याद रखना है आपको दाराघाटी सेंचुरी जो मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में नियर टू शिमला शिमला डिस्ट्रिक्ट में है ये रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश इंडिया कोकालस एंड कलिज आर फिजेंट्स फाउंड हियर इन द फॉरेस्ट एरिया तो यहाँ जो देखेंगे ये ट्रोगोपन है फिजेंट्स हैं मोनाल भी है ट्रोगोपन भी है कोकालस है कलिज है आर द फिजेंट ठीक है ना तीतर है जो कि फाउंड होता है इस एरिया में इस इनके जंगलों में Some the इस क्षेत्र में मोनाल ट्रगोपन कोकलास और कलेज यहां पाए जाने वाले तीतर है कुछ सामान्य जानवर है मस्क हिरण मस्क डियर ठीक है जिसको बोलते हैं कस्तुरी कस्तूरी कस्तुरी हिरण ठीक है गोरल और थार इसकी स्थापना इस उन्नीस सौ बासठ में हुई है किसकी दाराघाटी अभ्यारण्य की ठीक है इतनी बातें आप याद रख लें क्योंकि ये आपके लिए पूछा जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे छोटे छोटे जो हैं जो आपको जनरली आपको देखने को नहीं मिलते हैं वो आप अगर न्यूज में अगर आता है तो इसको निश्चित तौर पर आप लिख करके रख लीजिए तो आपको नोट्स कैसे बनाना आपको समझ में आ गया एक तो आपको इस तीतर के बारे में जानकारी रखना है और दूसरा इस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है लोकेशन कहाँ है कब स्टाब्लिश किया गया और कौन कौन से पक्ष यहां पर जो है वो मिलते हैं इतनी बातें हैं इतनी बातें आपको आप नोट करके अपने पास रख लीजिए ठीक है थैंक यू मयंक राजपूत थैंक यू वेरी मच मुझे भी ऐसा लगता है जो मेरे यहां पढ़ता है वो सीरियस स्टूडेंट होता है थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम्स चलिए आ जाइए सो so, आ जाइए <coughs> और मैं भी इस बात से मैं आपकी एक सहमत हूँ कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं तो देखिए इतने लोगों को मैंने बहुत इतमान से पढ़ाया था एज में पढ़ाया अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स पढ़ाए सारी चीज़ें पढ़ाई मैंने आप लोगों को लेकिन आप देखेंगे रिजल्ट भी कुछ ही लोगों का होने वाला है तो जो कि सीरियस है जो सीरियस है क्योंकि जो इधर उधर करते रहते हैं हमेशा तो ये करना नहीं है आपको फोकस होकर पढ़ाई करनी है आप हमेशा फोकस रहिए कॉन्सनट्रेटेड रहिए फॉलो करते रहिए मुझे निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपके हाथों में रहेगी मैं बता रहा मेरे बताने से कुछ नहीं होगा मैंने बार बार कहा है कि जब तक आप अपने अंदर स्थिरता नहीं लाएंगे चंचलता समाप्त नहीं करेंगे आप ध्यान केंद्रित होकर के अगर हो पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट थोड़ा होना मुश्किल है अब इतनी सारी चीजें मैंने क्लियर करके आपको बता दी कि आपको एक मतलब कि जो ग्रामर तक है वो तक पूछा गया डिटो वैसा पूछा गया अब आपको इतना इससे ज्यादा मैं क्या और प्रमाण और समझना तो आप ही के पास है क्योंकि हर किसी के पास भगवान ने टॉप पे सबसे बड़ा कंप्यूटर दे रखा है दैट इज कॉल्ड सीपीयू ये आपके पास सीपीयू है जैसा ये रन करेगा वैसा आप आप अपना आप लाइफ में आप चीजों को अचीव करेंगे थैंक यू वैसे थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट आ जाइए तो आपने देख लिया कि आपको कैसे ये नोट्स बनाने हैं ये आपने देख लिया इसके साथ आपको नोट्स क्या बनाना है अब ये एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है इसके बारे में जान लेते हैं इसका नाम है रुद्रम द न्यू जनरेशन का एंटी जो है रेडिएशन मिसाइल है ये न्यू जनरेशन का है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम इसका नाम क्या है रुद्रम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन नाइन्थ ऑफ अक्टूबर यानी कि कल हुआ है रेडिएशन टारगेट लोकेटेड ऑफ विलर आईलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ आपका ओडिशा मिसाइल वॉज लॉन्च ऑन एस यू थर्टी एम के आई फाइटर एयरक्राफ्ट रुद्रम इज कंट्रीज फर्स्ट ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्रम भारत का पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है फॉर द इंडियन एयरफोर्स जिसको कहा रखा गया इंडियन एयरफोर्स में और डेवलप करने का काम कौन कर रहा है डीआरडीओ कर रहा है इतनी बातें आपके पास हो जानी चाहिए सो रुद्रम आप हेड बनाएंगे वॉट इज रुद्रम न्यू जनरेट न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है दूसरा आपको लिखना है

न्यू जनरेशन का है ये उसको कहा इंडियन एयरफोर्स स्किल बनाया गया डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा ठीक है चलिए अब ये देखिए कि मिसाइल इज इंटीग्रेटेड एज अ लॉन्च प्लेटफॉर्म ऑन द एस यू थर्टी एमकेच हैज अ रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन द लॉन्च कंडीशंस अब इसका इट हैज आई एन एस जीपीएसन सिस्टम इसके पास क्या है आई एन एस जीपीएसन सिस्टम है विथ होमिंग हेड फॉर अल्टीमेट अटैक रुद्रम हेज हिट द रेडिएशन टारगेट विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी तो ये एक्यूरेसी के लिए भी है रेडिएशन टारगेट विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी कि आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर जब आप इसको नोट्स को बना रहे होंगे हिंदी में भी आपने देख लिया ठीक है ज्यादा कुछ नहीं वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है अब यह हर गल हर घर जल स्कीम हर घर जल स्कीम स्कीम इसको देखते हैं इसमें क्या है गोवा यह आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट है गोवा बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट फर्स्ट हर घर जल स्टेट अक्रॉस द कंट्री बाई प्रोवाइडिंग टाप वॉटर कनेक्शन टाप वॉटर कनेक्शन दिया जाता है एवरी रूरल हाउस होल्ड को इज अम और इसको लॉन्च कब किया गया गवर्नमेंट के द्वारा दो हजार उन्नीस में विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग टाप वाटर एवरी ईयर बाई दो हजार चौबीस तो आपको हर घर जल योजना आपको लिख लेना है हर घर जल योजना उसमें बताएंगे फर्स्ट स्टेट बिकम कौन सा गोवा फर्स्ट स्टेट हर घर जल स्टेट दूसरा है कि इसको लॉन्च किया गया था 2019 में टारगेट था कि जितने भी भारत के जितने भी गांव हैं इसको 2024 तक हर किसी को स्टॉप वाटर आ जाना चाहिए तो ये आपको लिख लेना है इसका ऑब्जेक्टिव कब कब का था तो गोवा ने बहुत पहले ही कर लिया दो में इसे दो में लॉन्च किया गया था दो में गोवा ने इसे पूरा कर लिया टू में नेक्स्ट आइए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस द स्कीम इन टू यूनियन बजट ठीक है सो यह दो के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था चर फॉर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ डोम रेस्क्यू इन एग्रीकल्चर तो इतनी सारी चीजों को हाँ पर लिख लेंगे वॉट इज द ऑब्जेक्टिव एम क्या था हर घर जल योजना का तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरूर लिखे एम ऑफ दिस हर घर जल योजना वॉज दिस वन तो कभी भी ऐसा कुछ भी अगर आएगा तो आप इसको एड कर सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में देखिए इसका उद्देश्य कृषि में उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन भूजल पुनर्भरण पुनर्भ्रमण और घरेलू अपशिष जल के प्रबंधन के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है ये इसका उद्देश्य है ये आपको यहां पर लिख लेना है तो यह आपने जब नोट्स बनाया आपने तो इतनी बातें आपके पास हो जानी चाहिए ताकि इसका जब कभी भी आप चाहें तो आप रिविजन आसानी से कर सकते हैं ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट आ जाइए उट आज टूडेस ये आज की क्लास का आपका हो गया मैं आपको बस याद दिलाना चाहूंगा फिर से फर्दर की डोंट मेक अ डिले फिफ्थ अक्टूबर का बैच में आपको बता रहा हूं एक्सेप्शनल बैच है एक्सेप्शनल बैच है जिसके अभी कुछ ही क्लासेस हुई है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी आपके पास टाइम है डोंट वेट फॉर एनीथिंग फीस इज अबाउट टू हाइक ठीक है आपको जो इसको करना है आपके पास दो ऑप्शन है आइकॉनिक का है प्लस का ऑप्शन है आइकॉनिक में आपके पास लाइव क्लासेस अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर शेड्यूल स्ट्रक्ट्रे� ये आइकॉनिक में मिलेगा लेकिन एडिशन यहाँ आप आपको मिलेगा पर्सनल कोच अन अकेडमी के द्वारा भी ठीक है फिर एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी आपको मिलता रहेगा ठीक है राइट आप देखेंगे क्या है कि प्लस के लिए आप जाते हैं तो वन ईयर का कोर्स है फोर्टी फोर थाउजेंड का टू ईयर का काउजेंड का आइकॉनिक में जाएंगे तो वन ईयर का सिक्सटी फोर थाउजेंड टू ईयर का नाइनटी नाइन थाउजेंड ठीक है इतनी बातें अब आपको मेरे साथ अगर जुड़ना है अगर आप चाहते हैं मेरा गाइडेंस चाहिए मेरा मेंटोरशिप चाहिए अगर आपको लगता है क्योंकि आपने देख लिया मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है जो लोग मुझे जान रहे हैं जो भी थोड़े बहुत लोग जान रहे हैं वो जान लीजिए कि सारे क्वेश्चन मैंने यूपीएससी में टकरवाए जब मैंने यूपीपीसीएस के लिए आप लोगों को गाइड किया था इसी चैनल पे जब तब भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन टकराए थे मुझे प्रमाण देने की जरूरत पड़ी थी मैंने प्रमाण दे दिया जो पढ़ाया वही आया इस बार भी मैंने जो पढ़ाया वही आया ठीक है कुछ लोग आपको बताया जाता है कुछ लोग आपको बता भी रहे हैं कुछ लोग आप जानते भी हैं पॉलिटी रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवलीजी आया लेकिन आपने पॉलिटी को मैंने इतने एंगल से इस तरीके से किया था कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछा जाता तो आपसे वो छूटते नहीं और यही वजह है कि अगर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कहीं आया भी है तो जो लाइन मैंने लिखा है जो ग्रामर है वही का वही हु बहु आया है इसके अलावा क्वेश्चन आपके करंट के भी कुछ क्वेश्चन टकराए आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन मात्र पढ़ाया था आपका एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आया है इस बार 2020 में महायान बुद्धिज्म का हुबहू डिटो लाइन पूछ लिया गया है आपने देखा हो आर्ट एंड कल्चर कुछ भी जो भी मैं पढ़ाता हूं आपको तबियत से पढ़ाता हूं आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरी क्लासेस आर्ट एंड कल्चर की कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी आ, प्लस के ऊपर मेरी कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी कंप्लीट क्लासेस आपके जो है मेंस के लिए एक्सक्लूसिव मिलेगा आपको क्या कहते हैं प्लस के ऊपर में पीटी कम मेन्स का पॉलिटिकल क्लास एक्सक्लूसिव मिलेगा आपको वहां पर में इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस आपको वहां मिलेगी नेक्स्ट आपको गवर्नेंस मिलने वाला इंटरनेशनल रिलेशन मिलने वाला है सोशल जस्टिस मिलने वाला तो ये तमाम चीजें आपको मिलने वाली है यानी कि मेरे साथ पेपर वन और पेपर टू आप आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा मेरे अलावा जो कोई भी लोग टीचर हैं अवेलेबल हैं अडमी पे आप उन सभी को पढ़ सकते हैं किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है ना एक्स्ट्रा फीस देने की कतई जरूरत पड़ती नहीं है ये आप जान लीजिए समझ पा रहे तो आप डिले कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि दो और बाइस के लिए बहुत सीरियस है आपको पढ़ना चाहिए डोंट वेट फॉर एनीथिंग अगर आपने डिले किया तो आपको मालूम है कि फीस बढ़ने वाली भी है किसी भी दिन ये इंप्लीमेंट हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरा अगर पढ़ना ही है तो यू आर मेकिंग अ अननेसेसरी डिले सो चॉइसिस आर योर्स बिकॉज इट्स योर कैरियर इट्स योर टाइम योर ऑब्जेक्टिव योर एस्पिरेशन तो मैं यही चाहूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके सफल हो जाए क्योंकि आप जानते हैं हर एक साल फ्रेश बच्चे ग्रेजुएट होकर के आ रहे हैं आपका कंपटीशन हर साल बढ़ता चला जा रहा है तो जितनी जल्दी इस भीड़ से बाहर निकल के अपने कैरियर में आगे बढ़ें वो ज्यादा बेहतर है कि जितनी जल्दी आप कैरियर में सेटल हो जाएंगे उतना ज्यादा आपको अपने कैरियर में प्रमोशन का चांसेस भी मिलेगा और साथ ही साथ स्टीप कॉम्पिटिशन भी बच जाएंगे क्यों अपना संघर्ष लंबा करना चाहते हैं डोंट वेट फॉर एनीथिंग अपने संघर्ष को लंबा ना करें जितनी जल्दी होता उतनी जल्दी अपने टारगेट को अचीव करें सो दिस इज कोड पवन टेन आपको मैं बता दूं कि पवन की कोड के साथ कभी आ, कोई अगर हो रहा है तो ये जो पवन है 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 इसको तो आप अप्लाई करें ठीक अगर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो दूसरा मेरा कोड है जो दिया गया अकाडमी की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम है तो आप पवन एस का कोड भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है कोई भी फोन किसी प्रकार का आता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको बताना है कि पवन टेन ही लगाना है पवन एसपी ही लगाना है पवन सर के ही साथ जाना है दूसरी बात यह है कि आप जान लीजिए कि यहां पर मैं जितने भी टीचर हर किसी का अपना अपना एक यूनिक कोड है मेरा भी यूनिक कोड है पवन एसपी या पवन टेन तो आपको अगर साथ मेरे साथ रहना है मेरे गाइडेंस में रहना मेरे मेंटोरशिप में रहना अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो आपको यही लगाना होगा क्योंकि जिन टीचर्स के साथ आप जाएंगे वो आपको पर्सनल गाइड करेंगे या उनकी अपनी जो भी उनकी क्योंकि रेस्पॉन्काडमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि दे विल गाइड यू अनऑफिशियल चीजें ये लेकिन हाँ ये हमारा मॉरल प्रेशर होता है कि मोरल मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आपको गाइड करें तो दिस इज माय कोड पवन टेन एंड पवन एसपी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं डेफिनेटली मैं गाइड करूंगा जिम्मेदारी है क्योंकि बाकी जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरे थ्रू आए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं उनसे समझ सकते हैं कि पवन सर कैसा करते हैं हाउ दे इंटरेक्ट हाउ दे गाइड यू हाउ दे डिस्कस द थिंग्स ठीक है तो यू विल गेट फाइंड ईच एंड एवरी सो पवन टेन का कोड अप्लाई करना है या नहीं तो पवन स्पीकर ट्राई करना है ठीक है नो फोन कॉल्स आपके पास कहीं कहेंगे इसको लगा लो उसको लगा लो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरी बात जो भी कोड लगाएंगे अन का कोई भी कोड है किसी भी टीचर का किसी का भी हर किसी के पास टेन का ही डिस्काउंट अवेलेबल है नॉट मोर देन दिस इससे ज्यादा का डिस्काउंट किसी के पास अवेलेबल नहीं है सो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं फिर बाद में देन टेक टिलेर एवरीवन विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंजॉय योर डे हैव अ ग्रेट डे अहेड।